This video is sponsored by Vijayalakshmi Silks KEB Road, Mass Tiles and Sanitation, RK Constructions and NPS Degree College. Hello everyone and welcome to our channel Mass Media Bidar. चलिए शुरू करते हैं आज 22 सितंबर 2020 की तमाम लोकल डेली हेडलाइंस के साथ। बिदर टू औराद जाने वाली सड़क जिसकी हालत कई लोग उसकी हालत से वाकिफ होंगे, समझ नहीं आता कि क्या सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढे में खुद सड़क है। जिसकी तामीर के लिए एक राहत की बात ये रही कि यूनियन मिनिस्टर प्रभु चौहान की जानिब से उसकी मरम्मत की बुहार लगाई गई, जिसके बाद 1.1 करोड़ 1 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट उस सड़क के लिए, और साथ ही दूसरा कोठा ब्रिज जिसकी हालत भी काफ़ी ख़राब बनी हुई है उसके लिए 2 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया है। अब बजट पहले ही सैंक्शन किया गया था और एक तवेल अरसे की वजह से इस पर मुख्तलिफ लोग और अवाम की तरफ से शिकायतें आती ही जा रही हैं, मगर अब लगता है कि उस तवेल अरसे का इंतज़ार अब ख़त्म होगा और रोड की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिदर डिप्टी कमिश्नर जनाब रामचंद्रन आर ने जितने भी भारी बारिश की वजह से जिन जिन गांवों में नुकसानात हुए हैं उसमें से भालकी और हुलसुर में उन मुकामात का जहां पर बारिश ने अपना खैर ढाया है वहां का मुआयना किया और लोगों को आश्वासन दिलाया कि वो जल्द अज जल्द इन परेशानियों का हल निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये है कि जितने भी बिदर के तालुके हैं या इलाके हैं जहाँ पर बारिश ने अपना खैर ढाया है और ख़ासकर किसान भाई जिनकी फसलें बर्बाद हुई हैं, क्या उनको प्रशासन की जानिब से कुछ हर्जाना दिया जाएगा या फिर वो किसान जो तमाम लोगों को खिलाता है वो खुद भूखा मर जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली ख़बर की तरफ। बसवा कल्याण टू हुलसुर जाने वाली सड़क जो पिछले तवील अरसे से ख़राब हालत में बनी हुई है, अब भारी बारिश ने उसमें 4 चांद लगा दिए और वो और ख़राब हो गई। अब बंडरपुर से बिदर जाने वाली बस जो बिल्कुल बस स्टैंड के करीब में आकर फंस गई और मुसाफिरों को वहीं से वापस भिजा दिया गया। अब सीधा सीधा सवाल प्रशासन पर जाता है कि आखिर कब तक उनकी लापरवाहियों की जिम्मेदारी अवाम को झेलनी पड़ेगी और आखिर कब उस सड़क की मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बसवा कल्याण के गवर्नमेंट स्कूल और पोस्ट ऑफिस दोनों एक दूसरे के अगल बगल में हैं और उन दोनों के सामने ही गवर्नमेंट की जानिब से एक पुल बना दिया गया है। अब वो पुल या तो पता नहीं चल पा रहा है कि यह जानवरों के लिए है या फिर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है कि वो कुछ अगर मानसिक तौर पर टेंस्ड हों तो वो आकर उस पुल में नहा लें और उनका माइंड फ्रेश हो जाए या कुछ और, ये पता नहीं। ड्रेनेज सिस्टम ख़राब होने की वजह से हर साल वहाँ पर पानी जमा होता है मगर प्रशासन की तरफ से उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लिया जाता। अब कुछ दिनों पहले ही सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम्स जो 10वीं के होने थे वहाँ पर बिल्कुल बच्चों को जाने में इंतहाई तकलीफ़ देखी जा रही थी। इतना पानी भर चुका है जो बिल्कुल गेट के करीब में आ पहुँचा है। अब इस पर प्रशासन ना जाने कब कार्रवाई करेगा और कब इस पर एक्शन लिया जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता, और वैसे भी सरकारी काम जल्द हुए हों ये कहाँ देखा गया है। इसी के साथ आज के लिए बिदर लोकल डेली हेडलाइंस में इतना ही, मगर आप ऐसी ही खबरें जानने के लिए हमें फॉलो कीजिए फेसबुक पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपना फीडबैक हमारे लिए बेहद मायने रखता है तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहे हमारे चैनल मास मीडिया बिदर के साथ।